गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा आपके लिए टमी की बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लेकर आई है जिसको फॉलो करने में आपको कोई आलस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा कि आपका लटकता हुआ टमी बिल्कुल स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन करेक्ट पोजिशन, करेक्ट पॉस्चर और उतने ही रैप्स आपको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करने हैं तो डेफिनेटली आपका ड्रीम फिजिक आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो पेट को अब स्वेटर से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप उसको अच्छे से फ्लॉन्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ वीडियो इतनी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करना यार, लाइक कर दिया करो और साथ में वीडियो को जमकर अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, टकटक, जो आईडीज है उन पर शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @ईशा मेहरा और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए तो फटाफट से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लेते हैं। आपको अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच करना है इस तरीके से, देन ऐसे अगेन। और जब आप ये एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो इसमें आपको टमी को यानी अपने कोर को एंगेज करना है, अंदर स्क्वीज करके रखना है। जब आप ऊपर लेके जाएंगे लेग्स को तो ब्रीथ इन, जब नीचे लेकर जाएंगे इस तरीके से तो ब्रीथ आउट। तो चलिए इसे करने हैं, हमें 20 टाइम्स रिपीट करना है और करने हैं आपको 2 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हाथों को मैट पे ऐसे प्लेस करना है, प्लैंक पोजीशन में आना है, अपने पंजों पर आ जाइए। पंजों पर आने के बाद में आपने एक पैर को अदर साइड पे ऐसे रखते हुए देन वापस बैक, फिर अदर साइड को साइड पे रखते हुए देन बैक। इसमें जब आप पैर को फ्लिप कर रहे हैं, जब पैर को आप साइड पे रख रहे हैं तो आपने ब्रीथ इन करना है, अपने पेट को एंगेज करना है, कोर मसल को, देन वापस जब लेकर आएंगे तो ब्रीथ आउट करना है। प्लीज़ ये वेरिएशन ब्रीथिंग प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो करना, बहुत अच्छा आपके बेली पर रिजल्ट देगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से मैट पर अपने हाथों को प्लेस कर लीजिए, उसके बाद आप पंजों पर आ जाइए। आपने अपनी लेग को पहले साइड लेके जाना है, देन ऑपोजिट साइड लेके जाना है, देन बैक, ऐसे अदर लेग के लिए आपने साइड ऑपोजिट बैक, ठीक है। इसको आपको 20 बार फॉलो करना है वन साइड एंड अदर साइड भी आपको 20 टाइम्स इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से मैट पर लेट जाना है, अपने दोनों लेग्स को ऊपर ऐसे स्ट्रेट कर लेना है थोड़ा सा बेंड करते हुए, देन अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को टच करें, देन अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो को टच करें, देन उसके बाद हाथों को यहाँ प्लेस करते हुए डाउन, देन दोबारा अप, अगेन। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज की पोजिशन है और इस तरीके से आपको फॉलो करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से हाथों को मैट पे प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद में आपने क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से पंजों पर आ जाना है, अपने पंजों से अपने पैरों को वाइड करना है, लेग्स को ओपन देन क्लोज, देन हमें जंप करके आगे जितना मैक्सिमम आप जा सके। इससे आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। इसको करना है आपको 20 टाइम्स और इसे करने हैं आपको 4 सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आपने क्या करना है, इस तरीके से मैट पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपने अपने हैंड हिप के नीचे प्लेस करने हैं, बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ अपर बॉडी को, एंड देन आपको इस तरीके से लेग्स को क्रॉस वाइज चलाना है। आपको इसको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट। गाइस, तो आपको कैसी लगी मेरी टमी की एक्सरसाइज, है ना बहुत आसान सी। तो अब कोई आलसमंद मत दिखाना यार, टमी एक ऐसी चीज है जो किसी भी दवाई से किसी भी डाइट से कंट्रोल हो सकता है लेकिन फ्लैटन नहीं हो सकता। फ्लैटन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकता है जो आपको रूटीन में करनी है। रूटीन मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। डेली कोई भी एक्सरसाइज करने से आपके उस पार्ट पे फर्क आना बंद हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, खुश रहना, हेल्दी डाइट इनटेक करना, खाने को अच्छे से चबा कर खाना, खाने के बीच में, खाने के 45 मिनट बाद, पानी मत पीना, वो भी आपके टमी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, चलो हो गया बहुत सारा भाषण, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।